पर आप नेता को हिरासत में लिया गया है। ये विजुअल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया उनको हिरासत में लिया गया है। आपके गुजरात अध्यक्ष, आपको याद होगा इनका जो बयान आया था उसकी काफी निंदा हुई थी, हिरासत में लिए गए हैं गोपाल इटालिया, जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो कैसे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया गया था, जिसके बाद अब गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता है गोपाल इटालिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, हिरासत में ले लिया गया है गोपाल इटालिया को। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया, जिन्होंने बकायदा एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद बीजेपी ने निशाने पर लिया था। न सिर्फ बीजेपी के इस नेता बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर साधा गया था, और ये कहा गया था कि ऐसे शब्दों का चयन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। और अब ये तस्वीरें आ रही थी, दिल्ली पुलिस ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया है। अब उनसे जाहिर तौर पर आगे सवाल जवाब भी होने हैं। तो ये हिरासत हुई गोपाल इटालिया, गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख, पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस की गाड़ी में गोपाल इटालिया को बिठाया गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे, ये देखिए पुलिस गाड़ी में गोपाल इटालिया। गोपाल इटालिया इस वक्त एनसीडब्ल्यू ऑफिस से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ी में उनको बैठाया गया है। काफी देर तक पूछताछ हुई यहाँ पर उनके पास, आरोप लगा उसके बाद भोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर दिया है। क्या दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी या ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। गोपाल इटालिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप उनके ऊपर था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे थे एक कार्यक्रम के दौरान, उसके बाद उनको यहां पर एनसीडब्ल्यू ऑफिस में लेके आया गया और काफी देर तक पूछताछ हुई। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो कार्यकर्ताओं को लेकर के आए थे और यहां पर नारेबाजी की थी। उसके बाद उनको अब कंप्लेन जो दी गई एनसीडब्ल्यू की, उसके बाद पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है।